दोस्तों आज एक बार फिर से हम बात करने वाले जंगल के दो बेहद ही खतरनाक शिकारी जानवरों के बारे में, जिनका नाम है साइबेरियन टाइगर और अफ्रीकी लायन। कि अगर इन महादानवों के बीच में लड़ाई हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन किसको कांटे की टक्कर देकर जंगल का राजा बनेगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों ही जानवरों के बारे में काफी सारी जानकारी जानने वाले हैं, जिसे हम देख कर अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं कि दोनों जानवरों में से सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीकी लायन की। दोस्तों अफ्रीकी लायन की मौजूदा दो प्रजातियां एशियाटिक लायन और अफ्रीकी लायन सबसे बड़ी प्रजाति होती है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में अफ्रीका के घास के मैदानों में पाए जाते हैं। और यहां पर इन लायन की तादाद बहुत ही अच्छी खासी है। अफ्रीकी लायन एक सोशल एनिमल होता है, जो कि अपने प्राइड के साथ रहना पसंद करता है, जहां पर इनके प्राइड के अंदर 10 से 15 शेर मौजूद होते हैं और कुछ प्राइड के अंदर तो इससे भी ज्यादा शेर मौजूद होते हैं। और अफ्रीकी शेर ऐसे शिकारी होती है जिसमें अधिकांश शिकार शेरनियां करती है और नर शेर तो कभी कभार शिकार करने में हिस्सेदारी लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नर शेर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि अकेले एक के भैंसे को मार गिराते हैं, क्योंकि इनका जबड़ा बेहद ही मजबूत होता है, जिससे अपने शिकार को 600 PSI के दाव फोर्स से काटते हैं। और इतने ज्यादा दाव फोर्स से काटने के बाद तो कभी कभार तो शिकार की श्वास नली कट जाती है, जिससे कि शिकार तुरंत ही मारा जाता है। और बात करें इनके पंजों की ताकत की, तो यह अपने पंजों से दुश्मन पर 180 किलोग्राम की ताकत से हमला करते हैं। यानी कि सीधी भाषा में कहा जाए तो इनके पंजों से बचना नामुमकिन है। इनकी इतनी ज्यादा ताकत जानने के बाद अब बात करते हैं इनके शारीरिक विशेषताओं के बारे में। दोस्तों अफ्रीकी शेर के गले पर घने बालों का आयार होता है, जो कि इनकी गर्दन को पूरी तरीके से ढक देता है। और अगर बात करें वजन की, तो वजन के मामले में 220 से लेकर 240 किलोग्राम तक के होते हैं। और ये लंबाई के मामले में 2.5 मीटर लंबे तथा 1.2 मीटर ऊंचे होते हैं। और एक अफ्रीकी लायन का बाइट फोर्स 600 PSI का होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब दोस्तों हमने अफ्रीकी लायन के बारे में काफी सारी जानकारी जान ली है और अब हम जानने वाले हैं साइबेरियन टाइगर के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों साइबेरियन टाइगर दुनिया के बड़े ही घने जंगलों में पाए जाते हैं, जो कि टाइगर प्रजाति में दुनिया के सबसे खतरनाक और बड़े टाइगर माने जाते हैं। और साथ ही ताकत के मामले में भी इन टाइगर को दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर टाइगर माना गया है, जिसमें मुख्य रूप से साइबेरियन टाइगर के शरीर पर काली काली लंबी धारियां होती है। और एक लायन के मुकाबले साइबेरियन टाइगर का मसल मास भी काफी ज्यादा होता है। साथ ही साइबेरियन टाइगर एक अच्छे फाइटर भी होते हैं, जो कि अपने पीछे वाले पैरों पर खड़े होकर प्रतिद्वंदी पर लगातार हमला करते रहते हैं, जिसमें देखा जाए तो शेरों के मुकाबले टाइगर का स्टेमिना ज्यादा होता है, जिससे कि बिना थके और बिना डरे लड़ाई को काफी देर तक जारी रख सकते हैं। और बात जब इनके जबड़ों की आती है, तो एक साइबेरियन टाइगर का जबड़ा काफी ज्यादा मजबूत होता है, जो कि शिकार की गर्दन को 1400 PSI के दाब से काटता है। और इतने ज्यादा दाब फोर्स से काटने के बाद किसी भी जीव का बच पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। साइबेरियन टाइगर शेरों की तरह प्राइड में ना रहकर अकेले शिकार करना पसंद करते हैं और ये अधिकांश घने जंगलों में घात लगाकर शिकार करते हैं। और अगर बात की जाए साइबेरियन टाइगर की सारी विशेषताओं के बारे में, तो एक साइबेरियन टाइगर 3.9 मीटर लंबे तथा 1.5 मीटर तक ऊंचे होते हैं। और अगर इनके वजन की बात की जाए, तो एक साइबेरियन टाइगर 300 से 350 किलोग्राम तक के हो सकते हैं। साथ ही अपने शिकार को पकड़ने के लिए लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते भी हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर साइबेरियन टाइगर के बारे में काफी सारी जानकारी जान ली है, जिसमें अफ्रीकन लायन और साइबेरियन टाइगर की कंपैरिजन की जाए तो साइबेरियन टाइगर अफ्रीकन लायन से हर चीज में काफी ज्यादा आगे है। और इसीलिए हमारा फाइनल डिसीजन यही रहता है कि अफ्रीकन लायन से साइबेरियन टाइगर काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और अब दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से अफ्रीकन लायन और साइबेरियन टाइगर के बारे में जरा भी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।